जय माता दी, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, फार्मेसी न्यूमरोलॉजिस्ट। कौन सा अंक किस काम से आपको व्यवसाय देगा, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है या आपका लाइफ पाथ नंबर है, उससे आप कैसे जान सकते हैं कि आपको क्या व्यवसाय करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को हर काम सूट नहीं करता है। अब आपके पास अपनी जन्म पत्री भी नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे कि आपको क्या काम करना चाहिए, या कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपको फल नहीं रहा है और आपके पास आपकी जन्म पत्री भी नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे कि आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा काम आपको सूट करेगा जिससे आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका जो लाइफ पाथ नंबर है, यानी कि आपका जो भाग्यांक है, उससे आप कैसे जाने कि आपको क्या काम करना चाहिए। तो मैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं वीडियोस के माध्यम से देती हूँ वो आप सभी तक ज़रूर मिले। तो जैसे कि मैंने आपने पहले वीडियोस में भी लाइफ पाथ नंबर यानी कि भाग्यांक निकालना बताया है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, आपकी जन्म तिथि का टोटल यानी कि डेट, मंथ और ईयर, इसको आपने प्लस कर देना है। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19/2/1977, तो आपने 1+9+2+1+9+7+7, इन सबको जब आपने टोटल करा तो इसका टोटल आया 36। अब आपने 36 को भी ऐड करना है, यानी कि 3+6, तो आया 9। अब ये 9 नंबर आपका लाइफ पाथ है, यानी कि भाग्यांक है। इसी तरीके से आप सभी की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होगी, तो आप सब अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसी तरीके से डेट प्लस मंथ प्लस ईयर करके टोटल नंबर निकाल लीजिए, जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आता है। जब वो सिंगल डिजिट आ जाता है, वो कोई भी हो सकता है, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक, तो वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा, जो आपको यह डिसाइड करेगा कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो मैं अब आपको बताऊंगी 1 से लेकर 9 नंबर तक कि यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है तो आपको कौन से कार्य करना चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको 9 नंबर तक बताऊँगी। अब यदि आपका लाइफ पाथ यानी कि भाग्यांक 1 है तो आपके स्वामी ग्रह हैं सूर्य। सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी प्रवृत्ति गर्म होती है, गुस्से का स्वभाव होता है, लीडरशिप होती है, यानी कि सूर्य वाले व्यक्ति कभी भी किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे नेता होते हैं, ऐसे लोग अच्छे लीडर होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, पर उनकी बहुत अच्छी नौकरी होती है। ये लोग किसी के भी अंडर कार्य नहीं करेंगे। यदि इनका कोई व्यापार भी होगा तो वो भी हाई लेवल पर होता है। 1 नंबर वाले कभी भी किसी के अंडर कार्य नहीं करेंगे। यदि ये नौकरी भी कर रहे हैं तो वो नौकरी भी इनकी मालिकाना हक की तरह से होगी, जहाँ पर सारे डिसीज़न ये स्वयं लेते हैं, यानी कि मालिक इनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, उस कार्य को ये स्वयं संभालते हैं। अब है 2 नंबर। यदि आपका भाग्यांक या लाइफ पाथ 2 है तो आपके स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन के कारक हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, चंद्रमा 15 दिन बढ़ते हैं तो 15 दिन घटते हैं। तो ऐसे जातकों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। शीतल यानी कि ठंडे होते हैं ये लोग, इनका स्वभाव शांत होता है। तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, तो इन लोगों को गुस्सा बहुत ही कम और बहुत ही रेयर आता है। चंद्रमा वाले व्यक्तियों को दूध से संबंधित कार्य, जल से संबंधित कार्य, लिक्विड यानी कि लिक्विड फॉर्म में कोई भी कार्य हो सकता है, लिक्विड कार्य कर सकते हैं ये लोग। ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये लोग अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, ये लोग अच्छे वक्ता भी होते हैं। तो वाणी से यदि कोई भी काम करना हो तो वो भी कर सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे पोएट हो सकते हैं, इनको लिखना बहुत ही पसंद होता है। ये लोग अच्छे प्रोफेसर भी होते हैं।
अब यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 3 है तो आपके स्वामी ग्रह हैं गुरु बृहस्पति। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, पैसे के कारक हैं, गुरु को भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ये लोग भी किसी के अंडर में कार्य नहीं करेंगे। ये लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर होते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्ञानी बहुत होते हैं। तो जहाँ पे भी नॉलेज वाली चीज़ होगी वहाँ पर ये लोग होंगे। साइंटिस्ट होते हैं, साइंस की लाइन में बहुत अच्छे रहते हैं, इनको ज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो जहाँ पे भी ज्ञान की बात आती है, वो प्रोफेशन कोई भी हो, ये सब के बारे में नॉलेज रखते हैं। अब यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 4 है तो 4 नंबर है राहु का। ऐसे लोग हटकर काम करते हैं। ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि सामने वाला नौकरी कर रहा है तो मैं भी नौकरी करूंगा, या वो इस तरीके से सिस्टम से कर रहा है तो मैं भी वैसे ही करूंगा। ये लोग कुछ हटकर काम करते हैं, काम को अपने ही तरीके से करते हैं। तो 4 नंबर वालों को क्या काम करना चाहिए? ऐसे लोग टेक्नोलॉजी की लाइन में होते हैं, ऐसे लोग रियल स्टेट में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ऐसे लोग रिसर्च लाइन में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग मीडिया लाइन में बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छी इनकी इनकम होती है, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर वालों की। तो जिनका लाइफ पाथ नंबर 5 है तो आपके स्वामी ग्रह हैं बुध। बुध, जैसा कि आप जानते हैं, इनका सीधा सीधा वाणी से संबंध होता है, यानी कि ये अपनी वाणी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इनके लिए सबसे बेस्ट लाइन होती है कंसल्टेंसी। ये किसी भी लाइन में हो, कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी कार्य ये कर सकते हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। मार्केटिंग का काम ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मार्केटिंग की लाइन हो, ऑनलाइन काम हो, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। शेयर मार्केट में ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं, यानी कि जिस भी काम में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ये बहुत अच्छा करते हैं, जिस भी कार्य को करने के लिए अपनी वाणी का इस्तेमाल करना पड़े वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। अब है लाइफ पथ नंबर 6, यानी कि आपका भाग्यांक यदि 6 है तो आपके स्वामी ग्रह हैं शुक्र। शुक्र, जैसे आप जानते हैं कि लग्जूरियस लाइफ चाहिए होती है, इनको हर चीज़ प्रॉपर सिस्टम से चाहिए होती है, मेंटेन चाहिए होती है, साथ सजावट वाली चाहिए होती है। तो ऐसे लोग पार्लर है, सैलून है, आर्किटेक्ट लाइन में हो, या जो भी ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल वेल मेंटेन काम इनको चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि ये कोई भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पे सिस्टम सारा बिखरा हुआ है तो ये वहाँ पर काम कर ही नहीं सकते। ऐसे लोग बहुत अच्छे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम कर सकते हैं, ये अच्छे केमिस्ट का काम कर सकते हैं। ये लोग गंदगी में बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं। अगर इनका पार्लर भी आप देखेंगे ना तो बहुत साफ़ सुथरा मिलेगा कि आपका अंदर घुसते के साथ ही मन खुश हो जाए। सलून होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम होगा। बहुत अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, बहुत इनको म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भी होंगे तो बहुत अच्छे लेवल के होंगे ये लोग। अब लेते हैं लाइफ पाथ नंबर 7। लाइफ पाथ नंबर 7 होता है केतु। केतु का सीधा सीधा संबंध ज्ञान से होता है। तो इनको, केतु वाले जो लोग होते हैं, जिस भी लाइन में होते हैं, इनको हर चीज़ की डीपली नॉलेज लेते हैं। यदि ये नौकरी में होंगे तो जिस प्रकार की नौकरी कर रहे होंगे तो बिल्कुल डीप में जाकर उन हर बारीक को समझ के उस चीज़ का काम करते हैं। और यदि ये कोई कार्य व्यापार कर रहे हैं तो ये उसमें भी बहुत डीप में जाके समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे पूजा से संबंधित कोई शॉप खोलनी है तो मैंने सामान लाया और उसको बेचना शुरू कर दिया। ये उसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि जो भी ये काम कर रहे हैं वो किस प्रकार का है, उसे कैसे करना चाहिए। इनका उसमें बहुत ज़्यादा मन लगता है, यानी कि ज्ञान लेने में इनका बहुत मन लगता है। पूजा से संबंधित कार्य कर सकते हैं, पूजा की वस्तु, मूर्तियाँ, आर्किटेक्ट, ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। इनका आर्किटेक्ट में बहुत अच्छा इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी रहती है। जहाँ पे भी इनको ये लगता है कि ये नॉलेज मुझे मिलनी चाहिए, वो कार्य इनके लिए सूटेबल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं लाइफ पाथ नंबर 8 की। लाइफ पाथ नंबर यानी कि भाग्यांक 8 शनि का होता है। तो शनि, आप जानते ही हैं, शनि शनि चलते हैं। शनि देव बहुत धीरे धीरे और न्यायप्रिय होते हैं। तो जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 होता है, ऐसे व्यक्ति लोहे से संबंधित कार्य कर सकते हैं,
बिजली से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ये लोग बिजली से संबंधित, मशीनरी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ये लोग डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके हाथ में जस होता है कि जिसको भी दवाई देंगे पूरी इच्छा शक्ति के साथ, इनकी दी हुई दवाई बहुत जल्दी असर कर जाती है। क्योंकि शनिदेव ज्ञान के भी देवता है, अध्यात्म के देवता हैं, तो इनके हाथ से दिया हुआ दूसरे को बहुत जल्दी असर कर जाता है। तो अध्यात्म में भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है, मिस्टीरियस साइंस में भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है। अब बात कर लेते हैं लाइफ पाथ नंबर यानी कि भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों को क्या कार्य करना चाहिए। भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति यानी कि मंगल, मंगल सेनापति है, नेतृत्व करना जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जहाँ पे भी काम करेंगे सारे काम का सिस्टम अपने अंडर में करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वकील होते हैं, बैंक की जॉब बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। ये डॉक्टर भी होंगे तो ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट भी वो अपने हाथ में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति पुलिस में होते हैं, ऐसे व्यक्ति सेना में होते हैं, ऐसे व्यक्ति सेल परचेज का कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर सकते हैं, बिजली से संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि आपका लाइफ पाथ या भाग्यांक 1 से लेकर 9 नंबर तक है, तो आपको कौन से कार्य करने चाहिए। तो यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।